नमस्कार। जन सरोकार मंच इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आज अपने सुधी श्रोताजनों के साथ ये सोच के आया है कि बहुत लंबे समय के लिए नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को बीच में लाया जाए, चाहे समय अंतराल 10-15 मिनट का हो, लेकिन ऐसे विद्वजन जिनकी रचनात्मक गतिविधियां, रचनात्मक कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो सामाजिकता को लेकर हो सकते हैं, वो रचनात्मक स्थितियों को लेकर हो सकते हैं, सामाजिक अवेयरनेस को लेकर हो सकते हैं, उसी श्रृंखला में आज आपके समक्ष आ रहे हैं डॉक्टर साहब मनु शर्मा जी। वैसे तो काफ़ी ख्याति नाम व्यक्ति है ये, फिर भी मैं थोड़ा कम शब्दों में कहूँ तो एक बहुत प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जो अपनी साहित्यिक समृद्धि रखती हैं उनमें आपके लिए आलेख छपते रहे हैं, निबंध पर आपको महारत हासिल है, और कविताओं के बारे में तो मैं क्या कहूँ, आप लोग ही ज़्यादा अच्छी अपनी अभिव्यक्ति देंगे। तो आज आपके समक्ष हैं डॉक्टर मनु शर्मा अपनी रचनाओं के साथ आप सबके बीच। नमस्कार। नमस्कार। जन सरोकार मंच टोंक का मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ कि मंच ने मुझे आज आप लोगों से रूबरू होने का अवसर उपलब्ध कराया और आप अपनी कविताओं का पाठ करने का जो एक सुअवसर मुझे मिला है, मैं उसके माध्यम से अपनी कविताओं को आप तक पहुंचाऊं, तो मैं इजाज़त चाहता हूं मेरी एक कविता है जड़ों की मिट्टी। जैसे पेड़ पौधों की जड़ों में मिट्टी उलझी होती है, जैसे पेड़ पौधों की जड़ों में मिट्टी उलझी होती है, मैं भी कहीं उलझा होऊंगा तुम्हारी याददाश्त के तंतुओं में। जैसे पेड़ पौधों की जड़ों में मिट्टी उलझी होती है, मैं भी कहीं उलझा होऊंगा तुम्हारी याददाश्त के तंतुओं में। कभी फुर्सत में टटोल कर देखना एक एक तंतु को, कभी फुर्सत में टटोल कर देखना एक एक तंतु को, उनमें कहीं दिख जाएगा शायद मेरा हंसता हुआ चेहरा या घुटनों पर ठुड्डी टिकाए उदास छवि। थोड़ा गौर से देखने पर अपने आप में खोया एक कवि भी, जो निष्क्रिय दिखते हुए भी सबसे ज्यादा व्यस्त होता है। उस मिट्टी की अर्घान बने घूम रहे होंगे उसके शब्द तुम्हारी स्मृति की बंद खिड़की के आसपास। उस मिट्टी की अर्घान बने घूम रहे होंगे उसके शब्द तुम्हारी स्मृति की बंद खिड़की के आसपास। सांस भर सूंघना उन्हें, वे चमकने लगेंगे तुम्हारे चेहरे पर हंसी की कौंद बनकर। उन जड़ों की शक्त कोमलता में ही कहीं छिपा है जीवट, जो चारों ओर पसरे सूखे में भी सहेजे हुए है वनस्पतियों में हरियाली, फूलों में रंगीन खुशबू और तितली के पंखों में कंपन। जैसे पेड़ पौधों की जड़ों में मिट्टी उलझी होती है, मैं भी कहीं उलझा होऊंगा तुम्हारी याददाश्त के तंतुओं में। मेरी अगली जो कविता है वो एक कवि के लिए सटीक शब्द कितना महत्वपूर्ण होता है
इस बात को मैंने इस कविता के माध्यम से रखने की कोशिश की है, और वो सिर्फ शब्द की सटीकता तक ही बात नहीं ठहर जाती है, बल्कि आप देखेंगे कि उसके माध्यम से मैंने किन किन संदर्भों को इस कविता के अंदर लाने की कोशिश की है। तो मेरी दूसरी कविता है एक सटीक शब्द। कविता के लिए उपयुक्त शब्द खोजकर तुम चुप क्यों हो कवि? कविता के लिए उपयुक्त शब्द खोजकर तुम चुप क्यों हो कवि? एक सटीक शब्द शोधित तीर होता है कवि के लिए जो आर पार हो जाता है लक्ष्य के। एक सटीक शब्द शोधित तीर होता है कवि के लिए जो आर पार हो जाता है लक्ष्य के। किसी झरने से कम नहीं होता सार्थक शब्द, उससे झरता है जीवन, सरसराती है धरा। कविता बनकर घुल जाता है वह किसी की आंखों के काजल में, फड़का देता है किसी की भुजाएं, फैल जाता है किसी के होठों पर दिव्य मुस्कान बनकर, गूंजता है करुण पुकार बनकर अन्याय की असह्यता दिखाने को, गूंजता है करुणा की पुकार बनकर अन्याय की असह्यता दिखाने को। उससे ध्वनित होती है वे प्रतिध्वनियाँ जो विद्रूपताओं के फन पर पांव रखकर किए गए नर्तन से प्रेरित हैं। उससे ध्वनित होती है वे प्रतिध्वनियाँ जो विद्रूपताओं के फन पर पांव रखकर किए गए नर्तन से प्रेरित हैं। कभी मंद न हो शब्दों का यह प्रवाह, इसी के साथ बहकर जाएगा जीवन का वह कलमश जिसने मनुष्यता के चेहरे को बबकी लांटेन के गोले में बदल दिया है। जिसने मनुष्यता के चेहरे को भबकी लांटेन के गोले में बदल दिया है। वेदना की घड़ी में कवि सोने मत दो इन शब्दों को, यही वह जागरण है जिसमें रात रात भर गूंजता है अभंग। इन्हें झुकने मत देना किसी निरंकुश स्वेच्छाचारी के आगे, इनमें छिपी अंतर्ज्वाला ही ललकार बनेगी निरंकुशता के खिलाफ। किसी घायल योद्धा के घावों के लिए मरहम बनेंगे शब्द, सताई हुई सांसों की ऐसी हाय जो बकौल कबीर कभी निष्फल नहीं जाती। फूलों की गंध सा फैल जाने दो इन्हें हवाओं के संग, किसी बादल के गर्जन तर्जन में भरने दो थरथराहट। इस स्रोत को सूखने मत दो कवि, जब तक ये झरता रहेगा बूंद बूंद, इसके आसपास बैठे रहेंगे वे सब अपनी प्यास लेकर जो निराश और हताश हैं। कवि कविता के लिए उपयुक्त शब्द खोजकर तुम चुप क्यों हो कवि? एक कविता जो बिल्कुल हाल ही में लिखी गई है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पेड़ ने हवा से कहा ऐसे वक्त में आई हो तुम मेरे पास, जब पतझड़ के सिवा कुछ भी नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए। पेड़ ने हवा से कहा ऐसे वक्त में आई हो तुम मेरे पास, जब पतझड़ के सिवा कुछ भी नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए। कल तक जिन टहनियों पर इठला रहे थे खुशबूदार फूल, वे सब उनकी गंध को याद करके आज उदास हैं। कल तक जिन टहनियों पर इठला रहे थे खुशबूदार फूल, वे सब उनकी गंध को याद करके आज उदास हैं। झुकी हुई थी जो डालें फलों के भार से, वे उनके टूट कर गिर जाने पर भी नतभार बनी रहना चाहती हैं शालीनतावश। अपनी हरित आभ से लुभा रहे थे जो पर्ण संभार आते जाते राहगीरों को,
निरंतर उड़ान से थक चुके पंछियों को, विश्राम के लिए छाह तलाशते मवेशियों को, वे सब अब एक टूटा सपना है। मैं ठीक से नहीं जानता कि जो गुजर चुका है वह लौट कर आएगा या नहीं। मैं ठीक से नहीं जानता कि जो गुजर चुका है वह लौट कर आएगा या नहीं, लेकिन कुछ दिन और ठहर कर आती तो नई पीढ़ी बंधनवार सजाती तुम्हारे आगमन पर, इतना विश्वास है। पेड़ ने हवा से कहा, ऐसे वक्त में आई हो तुम मेरे पास जब पतझड़ के सिवा कुछ भी नहीं है मेरे पास। एक कविता और पढ़ने की मैं इजाजत चाहूंगा। निराश नहीं है कविगण, वक्त की आंखों में सूखते हुए आंसू देखकर भी कविगण केवल आंजे गए काजल के बहने से लगा रहे हैं उस पीड़ा का अनुमान जो उपजी होगी अंतःतल के किसी कोने के चटक जाने से। वक्त की आंखों में सूखते हुए आंसू देखकर भी कविगण केवल आंजे गए काजल के बहने से लगा रहे हैं उस पीड़ा का अनुमान जो उपजी होगी अंतःतल के किसी कोने के चटक जाने से। अभी तक कविगण सोच रहे हैं अंतरिक्ष में दमकते तारा मंडल में कहीं कोई छुपा बैठा है पुरखा जो असमय छोड़कर चला गया उन्हें, और वे अकेले व निहत्ते हो गए हैं सांसों के इस महासंग्राम में। अभी तक कवियों को लग रहा है कोई है जो सब कुछ मिटा देने को बेचैन दिख रहे मौसम में भी बैठा है उनकी प्रतीक्षा में, और उसके कंठ में बसी उनकी कविता सुनकर चहचहा उठेंगे वे तमाम पंछी जो सोए पड़े हैं अपने अपने कोटर में। कविगण मानकर चल रहे हैं कि मनुष्य को काठ बनने से रोकने का समुचित उपाय केवल और केवल कविता है। कविगण मानकर चल रहे हैं कि मनुष्य को काठ बनने से रोकने का समुचित उपाय केवल और केवल कविता है जो पतनशील समाज में सुनाई जानी चाहिए बारंबार। अभी पूरी तरह निराश नहीं है कविगण, उन्हें लगता है चट्टान की छाती चीरकर भी प्रकट हो जाता है जीवन, और खुरदरे पत्थरों से टकराकर भी बचाए रखता है अपना रोमिल वजूद। वक्त की आंखों में सूखते हुए आंसू देखकर भी कविगण केवल आंजे गए काजल के बहने से लगा रहे हैं उस पीड़ा का अनुमान। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इन कविताओं को सुना।